जैसे जुदा है उफार के नगरों के अंदर खाना पीना अपने जबीली तकादों को पूरा करना यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ने सूरह मोहम्मद में इरशाद फरमाया वल्लजीन कफरू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनाम वन नार मस्वल्लहुम। काफिरों का खाना पीना और रहना सहना जानवरों की मानंद है और इन लोगों का कोई भी हिस्सा आखिरत के अंदर मौजूद नहीं है। जबकि मुसलमानों की जिंदगी का एक मकसद होता है और मकसद क्या है वामा मन खाफ मकाम रब्बिहि व नहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपनी हाइश को दुबा लिया तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नतों को तैयार कर दिया है। अल्लाह ने एक और मुकाम पे मकसद जिंदगी को यूं बयान फरमाया बल तो सिरुल हयात दुनिया वल्लाखिरतु खैरुम वाबका इन हाज़ा लफी सूफिल उला सूफ इब्राहीम व मूसा। तुम्हारी निगाह तो दुनिया की जिंदगानी पे होती है हालांकि दुनिया का बड़ा से बड़ा बंगला भी जन्नत के महल्लात का मुकाबला तो नहीं कर सकता। तुम्हारी नजर हसीना की रिफाकत पे होती है लेकिन दुनिया की बड़ी से बड़ी हसीना हूर की हुसन और रानाई का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी निगाह दुनिया की पीआर पे होती है लेकिन दुनिया की पीआर अल्लाह तबारक व तआला के रिजवान और दीदार का मुकाबला तो नहीं कर सकती। हजरात ग्रामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी गुजारने का एक तरीका बतलाया और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखलाया। हमारे लिए अतीउल्लाह अतीउ रसूल के अंदर पूरी की पूरी जिंदगी गुजारने का एक तरीका और सलीका मौजूद है। हजरात ग्रामी कदर अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ये बात भी बतलाई इन्नमल मुमिनून इख्वा मोमिन आपस में भाई भाई हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी समझाई अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन अव फसादिन फिल अर्द फकअन्नम कतल नास जमीया। जिसने एक इंसान को बगैर जुर्म के मारा है उसने पूरी इंसानियत को मारा है वमन नहयाह फकअन्नम अहया नास जमीया। और जिसने एक को जिंदा किया उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया है। हज़रात-ए-गिरामी कदर दुनिया के अंदर जुल्म को रोकने के लिए और इंसानियत के कत्ले आम को रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से अमर बिल मारूफ व नहि अनिल मुनकर के साथ साथ ताकत के इस्तेमाल का भी सबक दिया गया ताकत के इस्तेमाल का भी दरस दिया गया। यही वजह है कि इस्लामी रियासत के दिफा की अहमियत को उजागर करने के लिए अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया कि तुम्हें कुफार के मुकाबले के ऊपर और जारहियत का इंतकाम करने वालों के मुकाबले के ऊपर अपना असला सादी को तैयार रखना चाहिए। हजरात ग्रामी कदर अल्लाह ने सूरह हदीद में समर का ऐलान फरमा दिया वंजलल हदीद फीही बासुन शदीदुम व मनाफिउ लिन्नास। अल्लाह ने लोहे को उतारा जिसमें ताकत भी है नफा भी है। इसी लोहे के जरिए अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के दिफा को पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने भी और पाकिस्तान के एटमी और दिफाई साइंसदानों ने भी मजबूत किया। इस दिफा को मजबूत करने का मकसद यह था जहां पर पाकिस्तान के ऊपर जारहियत का मुकाबला डट के किया जाएगा वहां पर दुनिया भर के अंदर किसी भी मुकाम पर अगर हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म होगा तो हम उस जुल्म का मुकाबला करने के लिए भी अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। आज कश्मीर में जुल्म हो रहा है बर्मा में जुल्म हो रहा है और फलस्तीन में जुल्म हो रहा है लेकिन अफसोस के हजरत अल्लामा ने जो सबक पढ़ाया था क्या तुझको बताता हूँ तकदीर उमंग क्या है शमशीर और सनावल ताऊस और रुबाब आहिर के हमने ताऊस और रुबाब को तर्क करने की बजाय इनको अपना शियार बना लिया। हजरत ग्रामी कदर हमारा पैगाम तो ये होना चाहिए था हमारा मैनिफेस्टो और हमारा मंशूर तो ये होना चाहिए था हैबर हैबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफ यहूद। लेकिन हजरत ग्रामी कदर वो उंगलियां जिन्हें दिफाए दीन के लिए और दिफाए अहले इस्लाम के लिए उठना चाहिए था वो बरबत और पयानों पर चलने लगी और नतीजा क्या निकला जो न था खूब बतदरीज वही खूब हुआ और गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। हजरत ग्रामी कदर आज मुझे ये बात कहते हुए एक पहलू तुक्का
اور ایک پہلو سکھ کا اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو رہا ہے، دکھ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو فلسطین کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے، اور سکھ اس بات کا ہے کہ الحمدللہ ہمارے سینوں میں ان کا درد موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، مشتاق بھائی اور ان کے اہل خانہ اور ان کے رفقا اس اعتبار سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے امت کے سوئے ہوئے درد کو جگایا ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس درد کو جگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر اس درد کو جگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بڑی لوجیکل ہے، بڑی منطقی ہے، اور سمجھ آنے میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں۔ اگر میری گلی کے اندر ایک گنڈا میری ماؤں بہنوں کو چھیڑتا ہے اور میرے مظلوم بھائیوں پر تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور میرے پاس طاقت موجود ہے، تو کیا مجھے اس گنڈے کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اسرائیل جو بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ گنڈا گردی کر رہا ہے، جب اہل پاکستان کے پاس طاقت موجود ہے تو کیا ہمیں دھمکی کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اگر مملکت خدا داد کے حکمران اور عسکری ادارے اسرائیل کو متنبع کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے غزہ کے اندر ہونے والے ظلم کو روکا جا سکتا ہے، اور ہم اسی ظلم کو رکوانے کے لیے آج اس گرمی کی چلچلاتی ہوئی دوپہروں کے اندر اور گھر باہر کو چھوڑ کے اس سیف غزہ کے کیمپ کے اندر موجود ہیں۔ مجھے یہ بات بتلائیے، کیا آپ ان قائدین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قائدین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہمیں دل دے کے دکھا رہے گے روپے بھر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے ساتھ اسی قسم کھائی ہے، اور یہ گلشن اللہ کے فضل و کرم سے مملکت خدا داد ہے جس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب تک اہل دین زندہ ہیں، جب تک ایک بھی نظریاتی مسلمان زندہ ہے، پاکستان کے اسلامی تشخص کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، پاکستان کے نظریاتی تشخص کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ پاکستان کے اندر دیگر مقامات پہ ہونے والے مسلمانوں کے جو مظالم ہیں ان کے حوالے سے رائے عامہ کو بیدار کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ وہ ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھتے ہیں، تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ واہ، الحمدللہ رب العالمین۔